I wish that I was bulletproof, bulletproof. I wish that I could wear a mask and face the truth. I wish that I was. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jolly and I make daily Call of Duty videos on this channel. और आज हमारा टॉपिक होने वाला है सीजन 3 के नए मैप्स. सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजन 3 में एक न्यू मैप आया है जिसका नाम है स्क्रैपयार्ड. और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्क्रैपयार्ड को चूज कर सकता हूँ और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि यह सबसे नया मैप आया है और इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो इस मैप को अच्छा बनाती हैं और कुछ चीजें हैं जो इस मैप को आपके अगेंस्ट रखती हैं. इस मैप पे जीतने के लिए कुछ खास टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं जिससे बड़ी आसानी से जीत पाएंगे और आज मैं आपको वही सब करके दिखाने वाला हूँ. सो लेट जस्ट गेट राइट इनटू इट. तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम मैच के अंदर आ गए हैं और मैं अभी आपको मैप पे दिखा देता हूं. इसके अंदर हमने डोमिनेशन वाला मैच लगाया और उसमें डोमिनेशन के आने वाले तीन पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूं. जैसा कि आप देख सकते हैं ए पॉइंट इस जगह पर है, बी इधर एक रूम के अंदर है, ये एक काफ़ी खुला वाला खुला रूम है और सी पॉइंट एकदम क्या कहते हैं बीच रास्ते में है. सो इस मैच में जीतने के कुछ स्पेशल टैक्टिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके बड़ी आसानी से जीत सकते हो. सो वट यू हैव टू डू इज फर्स्ट मैं आपको ये दिखा देता हूँ इस मैप को मतलब घूम के कि इस मैप में क्या क्या पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं, किस किस जगहों पे आप जाकर कैंप कर सकते हो या ऐसा कुछ. सो ये रूम है जहाँ पर आपको बी मिलता है. इस रूम की खासियत ये है कि इसमें काफ़ी सारे कॉर्नर्स वगैरह हैं जहाँ पर आप बड़ी आसानी से छुप सकते हो और किसी को भी छुप के फायर कर सकते हो. लाइक दीज कॉर्नर जहाँ पर आपको कोई देखता नहीं है लेकिन आपके पास पूरा बी का रिव्यू होता है और आप देख सकते हो कि उस पर कोई आ रहा है कि नहीं और आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे खड़े खड़े मार सकते हो. ये इस रूम में एक तो घुसने के भी इतने सारी जगहें हैं जहाँ पर आप आराम से घुस सकते हो और फिर आप एनिमीज को मार पाओगे. लाइक इस रूम के अंदर घुसने के मेरे ख्याल से 4 गेट हैं और उन चारों गेट से आप घुस कर कहीं से भी एनिमीज को मार सकते हो. और सबसे बड़ी बात है इस जगह पर छुपने की बहुत सारी जगहें हैं जैसे कि आप यहाँ पर छुप सकते हो. और ये एक इकलौता मैप है जिसको इतने ध्यान से बनाया गया है और आप इसमें हर चीज़ पे ध्यान रख सकते हो. जैसे कि इस छोटी सी जगह से भी आप इधर एनिमीज को मार सकते हो जबकि एनिमीज को आपके आपको मारना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाने वाला है. सो और जैसे कि आप यहाँ पे इस कॉरिडोर के अंदर रह सकते हो, यहाँ से आप सब देख पाओगे कि ऊपर बंदा कौन है कहाँ पर है लेकिन कोई भी आपको मार नहीं पाएगा. ये एक हेड ग्लिच है जहाँ से सिर्फ आपका हेड दिखता है तो उसके लिए आपको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप उसे काफ़ी आसानी से मार पाओगे. द सेकेंड पॉइंट इज ए जो कि आपको मिलता है राइट हेयर. सो इस पॉइंट की खास बात यह है कि आप यहाँ पे जाके इस रूम के अंदर जाकर बैठ सकते हो या फिर इस कॉर्नर में जाके बैठ सकते हो जहाँ से आप ए पे पूरा कंट्रोल रख पाओगे. सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रूम के अंदर जाकर किसी एक कॉर्नर में बैठो. लाइक जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी आसानी से उस बंदे को मार दिया जबकि उस बंदे को कोई भी अंदाजा नहीं आएगा कि मैं उस पर यहाँ से फायर कर सकता हूँ. ओके सो हमने हाफ पॉइंट्स अभी अचीव कर लिए हैं. इस मैप में अजीब सी बात है कि जब से सीजन 3 आया ना आप किसी बंदे के अंदर स्पॉन हो जाते हो, बहुत अजीब सी बात है. सो हम चलते हैं वापस से बी पे ही. बी पे क्या ए पे. सो हम यहाँ पे जा सकते हैं और इसमें एक और जगह है जहाँ पर आप जाके ए का पूरा कंट्रोल रख सकते हो, वो है ये. मतलब आप इधर छत पे जाके आप देख सकते हो आपको पूरा का पूरा ए दिख रहा है और यहाँ पर कोई आपके होते हैं यहाँ पे आने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा. और बजाय इसके आप इधर से भी जाकर पूरा हर जगह से देख सकते हो कि ए पे कोई है कि नहीं. ये वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपिंग पॉइंट था जब ये मैप दूसरे क्या कहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में भी अवेलेबल होता था तो यहाँ पर जाके सबसे ज़्यादा स्नाइपर्स बैठा रहा करते थे. वहां से मुझे इस पॉइंट के बारे में पता चला. सो सी पॉइंट को ना इसमें कैप्चर करना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार क्योंकि सी पॉइंट एकदम खुले में है और आपको उस पे एकदम बेस्ट जगह पे जाकर उसको कैप्चर करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि सी पॉइंट इतना खुले में है ना कि कई सारे एनिमीज वगैरह उस पे स्नाइपिंग करते रहते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ टफ टू कैप्चर सी. बट सी पे कैप्चर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप सी पे जा रहे हो तो अगर आपके टीममेट्स यहाँ पे सी पे कैप्चर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि सी पे
आप नजर रख सको। तो दिस इज द पॉइंट गाइस, दिस इज द पॉइंट। आप यहाँ पे आराम से सी को कैप्चर कर सकते हो, और जैसे ही आपको शूट करने लगे तो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ एंड यू विल सर्वाइव दैट। वन ऑफ द अनदर प्लेस इज दिस, आपने देखा होगा बहुत जने इस जगह पर आके स्नाइपिंग करते रहते हैं, और कसम से यहाँ पर आकर उनके स्नाइपिंग करने की वजह से सी पे उनको किसी को भी मारना काफी मुश्किल हो जाता है। देखा जैसे कि मैंने इस बंदे को यहाँ पे कितनी आसानी से मार दिया, और वो बंदा मेरे को नहीं मार पाया क्योंकि उस अगर किसी ने भी अच्छा स्कोप नहीं लगा रखा है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस जगह से मारना किसी भी बंदे को। Only a sniper can kill me from there. So यही था इस मैप के बारे में सब कुछ स्पेशल, और अब आई थिंक ट्राई करते हैं ढंग से जीतने का। ये मैच तो हम वैसे ही जीत गए, राइट? तो अगले मैच में थोड़ा ट्राई हार्ड करते हैं जीतने का। तो वी आर बैक इन द मैच। सच बताओ ना, तो इस मैप को स्पेशली बनाया गया लाइक स्नाइपर्स को ध्यान में रखते हुए। स्नाइपर्स के लिए ये मैप वन ऑफ द बेस्ट मैप रहेगा, जो कैंप करके स्नाइप करते हैं उन स्नाइपर्स के लिए। लाइक अगर आप यहाँ से देखो तो आपको पूरा बी का स्पॉन तक दिखता है एक ही जगह से, और आप बी के स्पॉन पे अपने ए वाले एरिया से बैठे बैठे कैंप कर सकते हो। लाइक हद होती है यार ये तो। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, यहाँ पर एक जगह है। और वेट, पहले इनको मार दो। कोई बात नहीं, आई काइंड ऑफ सॉ दैट कमिंग। आई नो यू आर हियर, छुप क्यों रहा है? सी लाइक इतने सारे कॉर्नर्स वगैरह है ना इसके अंदर कि एनिमीज आराम से छुपे रहते हैं। और देखा इसने मेरे को कितने दूर से स्नाइप कर दिया। लाइक एक तो ये स्पॉन पॉइंट भी इनका एकदम ऐसी जगह पर आता है ना कि इनके लिए स्नाइप करना बहुत इजी हो जाता है। सी वाला पॉइंट है ना सही में इसमें काफी मुश्किल है बजाय किसी और पॉइंट के। एनिमी टेकिंग ब्रावो, नो ब्रो यू आर नॉट टेकिंग ब्रावो। अरे पीछे से मार गया वैसे स्नाइपर। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एक और जगह है, दैट इज ओवर हियर। आप यहाँ पे जाके स्नाइप कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट फॉर स्नाइपिंग वो है ये जगह, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ से आप बी के स्पॉन के ऊपर स्नाइप कर सकते हो। लाइक अरे यार हम हाफ मैच जीत गए, चलो कोई बात नहीं। बट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू इज यू कैन गो ओवर हियर एंड यहाँ से आप स्नाइप कर सकते हो। यहाँ से आप सिर्फ ए पे नहीं स्नाइप कर सकते, आप उनके एक्चुअली स्पॉन पे भी स्नाइप कर सकते हो इस एरिया से। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया। लाइक आई डोंट हैव दैट गुड ऑफ स्नाइपर राइट नाउ, इसलिए मैं ओ शिट वो तो है। अच्छा इसने एस्थेटिक से मारा, मेरे को लगा मैं कोई शॉटगन से मार गया कोई इतनी दूर। सी कैसे ले रहा है भाई? सी लेने के लिए तो परमिशन ही नहीं दी हमने। किसी ने सी लिया तो नहीं, अपनों ने अभी तक पीछे नहीं लिया, ये क्या बात है? ले भाई तू ले। Ha ha ha!
So that was nice. ये देख रहा हूँ स्पॉन होता ही मारा इसने. Stop it. Get some help. अरे नहीं 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 यार मैं प्रेडेटर खोल कर बैठा था. मैं वो दिखाई दिया आपको. तो शील्ड वगैरह को लगा के जा सकते हैं ना इधर से ऊपर. इधर कोई बंदा है एट है क्या बात भाई. क्या लेके घूम रहा था भाई ये बंदा. ओके सो सी हो गया भाई हमारा. सी जैसे कि ये जगह देख लो अब आपको कोई एक कैप्चर कर रहा हो आप यहाँ पे आराम से बैठ के किसी को भी मार सकते हो. कई सारी जगह है ऐसी सिर्फ एक नहीं है. यही तो सबसे बड़ी बात है इस मैप की कि आप आराम से एक जगह पे खड़े खड़े बहुत बंदों को मार सकते हो लाइक दिस. किसने सोचा था कि यहाँ से कोई मेरे को मतलब मार देगा यहाँ से आके. इधर से आ रहा है तू. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे वो क्या मिलेगा. ओ शिट 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 गोलियां खत्म हो गई. ओवर हियर पर किधर. ओके सो वी डोंट हैव अ लीड राइट नाउ. यार ये गन भी बहुत जबरदस्त लग रही है मेरे को. फैन हो गया उस गन का मैं. फालतू के पंगे मत लिया करो मुझसे. सो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्क्रैपयार्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट मैप है इस गेम के अंदर. और मतलब आप उसमें कई सारी चीज़ें अपने स्टाइल से कर सकते हो. और आप उसमें कई सारी चीज़ें अपने स्टाइल से कर सकते हो. लाइक अगर आप एक स्नाइपर हो स्नाइपर्स के लिए तो सही में वो मैप बहुत ही अच्छा है. इफ़ यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट मैप. और अगर आप मैं उस मैप के लिए कुछ और ट्रिक्स बता दूं या कुछ और टैक्टिक्स बता दूं आपको. सो वन ऑफ माय टैक्टिक इज अगर मैं उस मैप में कभी भी खेलने जाता हूं ना मैं हमेशा गन ऐसी लेके जाता हूं जो मिडल रेंज और लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा चलती हो. लाइक कि उसका डैमेज काफ़ी अच्छा हो क्योंकि आपने देखा है कुछ जगह पे आपको स्नाइपर्स को मारना पड़ता है जो बहुत ही दूर होते हैं आपसे. और कुछ जगहों पे आपकी फाइट एकदम ही बहुत ही क्लोज होने लग जाएगी. क्लोज फाइट के लिए फिर भी आपके पास मतलब कोई गन हो सकती है लेकिन जब बहुत दूर फायर करना हो ना तो उसके लिए कोई गन मिलती नहीं है. फिलहाल मैं ASM-10 यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस गन को कभी भी ये टैक्टिकल स्कोप लगा के यूज़ नहीं करता. सिर्फ इस मैच के लिए मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरे को था कि मेरे को दूर वाले बंदे भी मारने पड़ेंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक एंड आई रियली एंजॉय दिस मैप एंड यू शुड ट्राई इट टू. I guess that's it for now, and I will see you in the next one. Bye bye. I can't understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I won't.